सोचा था कि अकबर से मिलेंगे तो होंगी प्यारी प्यारी बातें। जश्न के माहौल में अकबर खुशी से झूमेगा, अकबर बोलेगा तो उसके मुंह से झड़ेंगे फूल। जोधा अकबर एक दूसरे की आंखों में डूब जाएंगे। जोधा अकबर से मिलने जब मीडिया पहुंची तो सबने यही सोचा था, लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि जनाब के तेवर बदल गए हैं। मौका था सीरियल जोधा अकबर की टीआरपी में उछाल आने की खुशी का, लेकिन लगता है अकबर यहाँ अपना कुछ अलग ही मूड बनाकर आए हैं। मीडिया से रूबरू होना तो दूर की बात, मीडिया के सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं देना चाहते थे रजत। जब रजत से पूछा गया कि आखिर रजत को मीडिया से इतनी दिक्कत क्यों है, क्यों नहीं वो मीडिया से रूबरू होना चाहते, इस बात पर रजत का जवाब तो सुनिए। If a shoot is going on, I cannot keep the shoot because of it. I cannot leave it that short chal raha hai and short ke beech mein main bolunga ek second ko because meri wajah se fir baaki log bhi wait karenge. I cannot do that. I have to be honest with my work because at the end It's been for us reporters, we've been covering all locations for the last 5 to 6 years and we have interacted with many actors for this. But ऐसा तो नहीं है कि हम शूट के बीच में आपको रोक कर फाइट के लिए बोलते हैं, बट यू माइट बी हैविंग सम रीजन बिकॉज़ आपने ऑफ द कैमरा में कहा है कि यू हैव सम रीजंस कि आप मीडिया प्रमोशन नहीं करना चाहते। These are issues which can be sorted out separately. I don't think the press conference is a forum to discuss such matters. ये लीजिए, ये जनाब तो मीडिया को ही काम सिखाने लगे। अब इन्हें कौन बताए कि जैसे वो अपना काम करते हैं, ठीक वैसे ही मीडिया भी अपना काम करती है। सवाल पूछना उनका काम है भाई, उनके फैंस उनको सुनना चाहते हैं। इसीलिए तो मीडिया मुंबई से करजत तक की 70 किलोमीटर की दूरी तय करके उनके सेट पर पहुंचती है ताकि उनके फैंस उनसे रूबरू हो जाएं। और ये जनाब मीडिया को देखना भी नहीं चाहते। सोप क्वीन एकता कपूर जब भी जोड़ियों को चुनती हैं तो लोग उनकी इस पसंद को खूब पसंद करते हैं, जैसे कि जोधा अकबर को दर्शकों ने पसंद किया। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, पर्दे की मशहूर ये जोड़ी पर्दे के पीछे एक दूसरे से दूर दूर रहना ही पसंद करती है। रजत और परिधि में सीनियर कौन है, बस इसी को लेकर दोनों में जंग चलती रहती है। लेकिन फिर भी हम तो बादशाह अकबर को मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सीरियल लोकप्रियता के शिखर पर आगे बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ दर्शकों की मेहरबानी से होता है। तो दर्शकों के लिए ही बादशाह को थोड़ा नरम होना पड़ेगा। मुंबई से निशिमा जेटली के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।